अशोका युवा जना संघम टकारा बस्ती सिकंदराबाद तथा एमएलए तेलंगाना स्टेट माननीय श्री टी पद्मराव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रामायण की अद्भुत पौराणिक कथा संकट मोचन हनुमान। रामायण में लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने सर्पपाश का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया। तब भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ ने उन्हें सर्पपाश से मुक्त किया। क्रोधित हुए इंद्रजीत ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर किया। जिसने इंद्र को पराजित किया वो इंद्रजीत हूं मैं। सर्पपाश से तो तुम मुक्त हुए, पर हे राम, इस दिव्य शक्ति के प्रहार से तुम्हारे लक्ष्मण को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी बचा नहीं सकते। महापार्श महोदर देवांतक नरांतक त्रिशीर और अतिकाय ऐसे मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं का तुमने वध किया। अतिकाय तो मेरा पराक्रमी भाई था। अपना भाई जब मृत्यु शैया पे होता है तो कितनी यातनाएं होती है, कितना दर्द महसूस होता है, इस बात का एहसास अब तुम्हें होगा। हे लक्ष्मण मेरे भाई, उठो उठो, मैं तुम्हें चैतन्यहीन अवस्था में नहीं देख सकता। मेरी हर आज्ञा का तुम पालन करते हो ना, तुम्हारे बिना जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हे अयोध्यानाथ, आप विलाप ना करें, कोई भी संकट आए तो हम राम नाम का ही जप करते हैं। आप ही दुखी हो गए तो आपके सैन्य का क्या होगा? कैसा सैन्य, कैसा युद्ध? मेरे चेतनाहीन भाई को लक्ष्मण को देख के मुझे ये सब व्यर्थ लगने लगा। अपने प्रियजनों को अपने ही जीवन से दूर करने वाले, निष्प्राण करने वाले युद्ध कभी भी ना हो। हे प्रभु, आप धीरज रखिए, हमारा युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। यदि अधर्म ने प्रहार किया है तो भी धर्म हमारे साथ है। इसीलिए विभीषण महाराज के कहने पर मैं लंका से वैद्यराज सुषेण को साथ लेकर आया हूँ। वैद्यराज, आप कृपया उपाय बताएं। हृदय पर गहरा घाव है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। एक उपाय है लेकिन बहुत कठिन है। आप उपाय बताइए वैद्यराज। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है, द्रोणागिरी। वहाँ चार महा औषधियाँ ऐसी मिलेगी, विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संघानी और मृत संजीवनी। उसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है। अगर यह संजीवनी सूर्योदय से पहले मिले तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकती है। लक्ष्मण के पास एक रात का ही समय है, यह काम सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। हिमालय तो पृथ्वी के दूसरे प्रदेश में है, सिर्फ एक रात में संजीवनी लाना असंभव है। हे रघुनाथ, अपने इस भक्त पे विश्वास रखिए। बंधु लक्ष्मण की जीवन रक्षा के लिए मैं हिमालय ही नहीं ब्रह्मलोक तक जा सकता हूँ। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बंधु लक्ष्मण सूर्यवंशी है, उनके जीवन का सूर्यास्त कदापि नहीं हो सकता। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। यशस्वी भव। जय श्री राम। Thank you.
पहुंचे और संजीवनी वनस्पति से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जय श्री राम, जय हनुमान। इस कथा का तात्पर्य यह है, जीवन में कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थिति हो, आप सोच सकारात्मक रखिए, आपका संकट दूर होगा।